हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बोलो जोर से, बोलो गुड मॉर्निंग। एक ये आया है हमारा लल्लू बट इसका नाम बहुत सुंदर है। ये है हुनर, ये है दियाना। व्हाट इज योर नेम? दियाना। और ये तो आपको पता ही है मासी जी, अभी मेरा अभी तक टाइम सेट नहीं हुआ है। दोहा कतर के हिसाब से चल रहा है मेरा, मतलब मेरे हिसाब से अभी रात के 10-11 बजे हैं बट यहाँ पे 8 बज चुके हैं। तो अभी हम लोग मॉर्निंग की चाय पीने वाले हैं। आज मैंने बनाई थी चाय और चाय निकाल दी मैंने पहले दिन बातें करने के चक्कर में। और अभी हम लोग पियेंगे चाय और फिर आज हम लोग जाने वाले हैं नम अष्टमी की सेलिब्रेशन के लिए। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पे है बट पहले उस दिन हम लोग मंदिर में गए थे जो आपने लास्ट व्लॉग देखा। आज हम लोगों ने मतलब इंडिविजुअली हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया है, हम लोगों ने मतलब कज़न वगैरह ने। तो आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे और आज बच्चों के साथ मस्ती क्या क्या करने वाले हैं हम लोग वो बताएंगे। क्या खा रहे हो? What are you eating? तो चुकी खा रहे हो? चाय रस। बेबी। ओ कौन सा बेबी है ये? बेबी। हुनर का है? हुनर कितने हुनर? आरी हुनर। तो चलो मिलते हैं आपको चाय पीने के बाद। व्यू तो आपने देख ही लिया था, एक बार बोलोगे तो दोबारा से दिखा देता हूँ बाहर का व्यू सुबह सुबह। ये देखो। हेलो। Say hello. Hello. Hi. Hi. So, सुबह सुबह की चाय और ये हो व्यू। हाय हाय हाय। चाय पीने का मजा ही कुछ और हो जाता है यार। देखो व्यू। ग्रीनरी का जो मज़ा है ना यार, वो सच में न्यूजीलैंड में ही है। मुझे नहीं लगता बाकी किसी और कंट्री में इतनी ग्रीनरी होगी। सो जी न्यूजीलैंड का पेट्रोल स्टेशन ये हमारे पेट्रोल वाले जीजू है यहाँ पे यहाँ का सिस्टम अलग है यार। उन्होंने गाड़ी में पे किया, यहाँ से डायरेक्ट खुद मतलब हम लोग फिल कर सकते हैं और यहाँ पे सब लोग खुद ही फिल करते हैं। हमारे इधर नहीं है, फौरन मारा पैसे लेने आएगा और कुछ नहीं है, सब कुछ सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। तो ऐसे तो भी हम लोग जा रहे हैं शॉप पे, तो आपको मिलते हैं वहाँ पे जाके। अपना काम है यहाँ पर, हम लोग कर रहे हैं शॉप पे। तो टैंकी होगी या फुल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुद का काम किया। अरे टिप तो लेते जाओ। टिप नहीं लोगे? टिप नहीं देते ये। सो ये है जी शॉप चीज़ों की जहाँ हम लोग पहुँचे हैं अभी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी शॉप है, मतलब काफ़ी कुछ है, बुक्स वगैरह बच्चों का, क्या स्टेशनरी, हर चीज़ पड़ी है यहाँ पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ है यहाँ पे। मैं यहाँ शॉप पे हूँ ना, तो जो अभी तक मैंने देखा मतलब यहाँ पे लोग अभी भी पोस्ट से कुछ ना कुछ भेजते हैं अपने फैमिलीज को, फ्रेंड्स को। मैंने तो मुझे लग रहा है बहुत सालों बाद ऐसा कुछ देखा, तो इंडिया का याद आ गया कि हम लोग कभी कुछ भेजते थे तो कैसा फील होता था, मतलब कैसा लगता था। एक चीज़ और मैंने बतानी थी आपको, मैंने सिम लिया यहाँ पे। सिम मतलब यहाँ पे डेटा मिलता ही नहीं है लोगों को। मैंने पूछा कितने का रिचार्ज होता है, तो बोलते कि 18 या $19 का रिचार्ज है 4 वीक्स के लिए, जिसमें सिर्फ 1.5 GB डाटा मिलेगा आपको। और इतना तो हम लोग एक दिन में क्या 1 घंटे में यूज़ कर लेते हैं, टिकटॉक चलाने वाले या यूट्यूब चलाने वाले लोग
यहाँ तो बिल्कुल मतलब अनलिमिटेड वाला प्लान लोगे तो ही तुम कामयाब हो, नहीं तो यहाँ व्लॉगर्स का या जो टिकटॉकर्स वाले हैं तो उनका कोई यहाँ पे वो नहीं है, तो अनलिमिटेड प्लान के बिना तुम्हारा नहीं चल सकता। तो देखते हैं हम लोग, अभी ये सिम लिया मैंने, रिचार्ज नहीं किया, तो मैंने जीजू को बोला कि आपको जो सही लगता कर दो, बट पैसे कम से कम होने चाहिए क्योंकि मैं कंजूस हूँ ना, एक जिसके लिए बोला गया है वो उसको पता चल जाएगा। तो देखते हैं अभी कि कौन सा रिचार्ज करते हैं, क्योंकि मुझे 20-25 डेज यहाँ पे रहना है तो विदाउट इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो अभी मैं सिम डालूँगा इसमें, तो देखते हैं कौन सा रिचार्ज करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मॉल में, विज़िट कर लें मॉल में कि कैसे मॉल होते हैं, वैसे तो सेम ही होते हैं हर जगह। मैं इंडिया की तरह, सॉरी इंडिया की तरह नहीं, इंडिया की तरह भी बोल सकते हो या कतर की तरह बोल सकते हो, मैं ऐसे ही रोड क्रॉस करने वाला था, जैसे पीछे रोड है तो यहाँ पे कुछ बीच में डिवाइडर नहीं था, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही रोड क्रॉस करूँ, फिर मैंने सोचा यार नहीं मैं न्यूजीलैंड में हूँ, हो सकता है यहाँ पर फाइन हो, मतलब सिग्नल से ही तुम लोग जो पासिंग पाथ होता है वहीं से ही तुम लोग रोड क्रॉस कर सकते हो, तो अभी मैं सिग्नल पर आया हूँ, सिग्नल से यहाँ से फिर मैं रोड क्रॉस करूँगा। सो ये है जी यहाँ का मॉल, इस मॉल का नाम है क्वीन गेट, क्वीन गेट मॉल है ये, इसीलिए हो वाह H&M भी है यहाँ पे, सारे हैं मतलब जैसे हमारे कतर में शॉप्स वगैरह हैं उसी तरह से। चलो देख के आते हैं, एक विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, हम लोग मतलब मैं, और देखते हैं नीचे का तो सेम वही शॉप वगैरह सब सेम है। तो यहाँ शूज़ कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है, ये देख लो, दिस इज़ यूनिक, अच्छा लग रहा है ये। This is also nice color combination. तो ये भी एक आउटलेट है यहाँ पे, यहाँ पे मोस्टली मतलब विंटर का ही सब कुछ मिलता है, यहाँ विंटर ही चलता रहता है तो उस हिसाब से, और यहाँ पे अप टू 60% ऑफ लगी हुई है। ये शूज़ मुझे पसंद है बट मेरा कभी भी इसमें साइज़ नहीं मिलता है, क्या करें। यहाँ पे फुट लॉकर भी है, अगर हम ओला, यहाँ पे ओपन पार्लर भी है भाई, अल्लाह गुगू चेक। मैं तो लगा गुगू तू मर जाना है इन्हों वेख के सारे, अभी मैं जा रहा हूँ वापस शॉप पे जीजू के पास, तो ठीक था, अच्छा था, मतलब नॉट बैड, अकेले घूमने में क्या मज़ा आता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, शायद इसके बाद हम लोग घर जाएंगे, घर जाके फिर जीजू ने कहीं काम जाना है तो हम लोग तब तक रेडी होंगे, क्योंकि इवनिंग में मैंने बताया था आपको कि आज कुछ इन लोगों ने मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में ऑर्गेनाइज किया है जन्माष्टमी का प्रोग्राम, तो हम लोग आज वहाँ पे जाएंगे फुल सज धज के, तो मैं आपको आज पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगा कि आज क्या क्या वहाँ पे होने वाला है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी, आई होप कि अच्छा होगा। और एक चीज़ और बतानी मैंने आपको भूल गया कि यहाँ पे मतलब मैंने पार्किंग में से भी मैं निकला हूँ, सब जगह पे देखा दूर दूर तक आप भी देख सकते हो कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन
सारी गाड़ियाँ यहाँ पे एसयूवी से ऊपर नहीं है, मतलब बहुत रेयर गाड़ियाँ हैं जो मतलब फोर व्हील आपको दिखेंगी यहाँ पर। मोस्टली आपको नॉर्मल छोटी गाड़ियाँ कैरी करना थोड़ा इजी होता है उस हिसाब से। और दूसरा यहाँ पे मतलब बड़ी गाड़ियाँ बहुत कम है, बहुत कम, मतलब मैंने एक दो देखी हैं अभी तक जो ट्रक्स टाइप अपने जो वहाँ पे चलते हैं वही है बस, बाकी यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ ही चल रही हैं। और बहुत पुराने मॉडल्स की भी हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, तो वो चीज़ अच्छी है। हमारे उधर तो पठान लोग लेके घूमते हैं पुरानी पुरानी गाड़ियाँ, वो गड़ 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 पैसे लगता है अभी खुल जाएगी अभी खुल जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे मतलब पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ भी कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है। और ये लोकल बस चलती है यहाँ पे, जैसे हमारे कारवा है यहाँ पे ये येलो कलर की बस है। तो चलते हैं हम लोग अभी शॉप पे। हम लोग घर आए, खाना को नहा के थोड़ा बहुत रेस्ट किया था मैंने, और अभी हम लोग सब लोग रेडी हो के नहा धो के सूट बूट पहन के सब लोग रेडी हो के हम लोग निकलने लगे हैं। और अभी मैंने बताया था ना आपको कि वो एक सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं हम लोग जन्माष्टमी का, तो ये सब लोग रेडी हैं, बच्चा पार्टी ऑल्सो। हेलो से हाय, हेलो गाइस, आप भी बोलो हेलो गाइस। इसमें आएगी तुम्हारी वीडियो, हम जा रहे हैं घूमने। ये देख लो हमारा लाड़ू, लाड़ू लाड़ू जन्माष्टमी का हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। और ये और हम दोनों मैचिंग है, से हाय हाय। कभी हम लोग चल के आपको मिलते हैं, वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है क्या नहीं मुझे भी नहीं पता, लेट्स सी। सो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं थोड़े से छोटे से सफर के बाद। तो ये इनका डेकोरेशन किया हुआ है। Thank you.
क्या हो गया, ये भागे भागे जा रहे हैं, जब मैं बुलाती तभी तो आते नहीं है, तो क्या कर रही है रुक्मणी? हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये तो बात कैसा अजीब आ गया है, कैसा अजीब आ गया है, तो ये हमारे सेवादार है जो लंगर की सेवा निभा रहे हैं अभी, ये राधे राधे करके सभी को लंगर देंगे, अभी संगत आएगी वहाँ से, ऑलरेडी आरती हो चुकी है तो वेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से फुल तैयारी है इनकी तरफ से मतलब, तो अभी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे लाइन में आएंगे लोग लंगर के लिए। तो ये सब लोग संगत आ रही है अंदर से, वन बाय वन सब लोग प्रसाद लेंगे अपना, और ये सूखा प्रसाद इसको आप बोल सकते हो। कुछ सामान लेने के लिए आए हैं वहाँ से, हम लोग वाइंड अप करके पूरा सामान हम लोगों ने उठाना था वो उठाया, और फिर अभी निकले हैं हम लोग शायद 10:30 बजे, तो अभी हम लोग वेयर हाउस पे आए हैं और क्या आवाज़ें आ रही हैं गाड़ी में पता नहीं, और कुछ सिस्टर सामान लेने के लिए गई है। ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कान्हा जी का जो जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए व्यूज़ हैं उनको पुराने वीडियोस को देखो, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।